फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट रवा इडली बनाने जा रही हूँ। इसे तड़के वाले इडली भी कह सकते हैं। इसे आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम 20 मिनट में इस इडली को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इंस्टेंट रवा इडली बनाना शुरू करते हैं। रवा इडली बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है रवा। ये हम मोटे दाने वाला रवा लिए हैं, इसे सूजी कहते हैं। दही, काजू का टुकड़ा, जीरा, राई, तेल, उड़द की दाल, घी, सॉल्ट, चना दाल, घिसा हुआ गाजर, कटा हुआ अदरक, कड़ी पत्ता, इनो फूड सॉल्ट वाला, हरी मिर्च और हींग। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें रवा को डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे दही। दही ये नॉर्मल वाला है और उसी के साथ डाल देंगे सॉल्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप दही थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हैं, पर ये एक कटोरी रवा में पौना कटोरी दही हमने डाला है और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रवा को हमने दही के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक ढक्कन लगा के और 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे दही के साथ ही फर्मेंट हो जाएगा। तब तक हम लोग तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो गैस पे हम एक पैन ले लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें घी डालेंगे। तो हम घी 2 चम्मच यूज करेंगे और 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हम 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच हम राई डालेंगे और इसे हल्का सा हम तड़कने देंगे। जीरा से चटकने की आवाज आने लगी है, अब हम इसमें डालेंगे दाल। तो ये अपना उड़द की दाल है, साथ में हम डालेंगे चने की दाल और साथ में डालेंगे काजू। सबको हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, हमें काला नहीं करना है, हल्का सा इसे रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं चना दाल और उड़द दाल का कलर चेंज हो गया है। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। तड़का डालने से इडली का टेस्ट बहुत ही सुंदर हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और उसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो सारे चीज अपने
ब्राउन हो चुके हैं, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और तड़का को ठंडा होने देंगे। जब तक अपना तड़का ठंडा हो रहा है तब तक हम गैस पे इडली कुकर में पानी रख के गैस को ऑन कर देंगे और एक ट्रे को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, इडली अपना ट्रे में चिपकेगा नहीं। अब हम ढक्कन को हटा के रवा को चेक करेंगे। तो रवा अपना थोड़ा गाढ़ा हो गया है फूलने के बाद, हम इसमें आधा कप और पानी डालेंगे और इसे एक इडली जैसा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इडली बेटर देखी होंगी तो आप समझ सकते हैं वैसे ही हमें बनाना है, अगर नहीं तो ध्यान से देख लीजिए। इसे हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसमें घिसा हुआ गाजर डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ में ये तड़का जो हमने तैयार किया था उसे भी मिक्स कर लेंगे। तड़का ठंडा होने के बाद ही आप डालिएगा, नहीं तो रवा खराब हो जाएगा। और इस तड़के को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब सामग्री हमने मिक्स कर लिया है, अब हम लास्ट में डालेंगे इनो। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ एक पैकेट इनो डाल रहे हैं। और इसे डालने के बाद ध्यान रहे कि हम एक ही डायरेक्शन में मिक्सर को घुमाएंगे, क्योंकि इसमें बबल्स आते हैं, वो बबल्स बरकरार रखना है हमें। तो ऐसे घुमाते हुए हम आधा मिनट इसे फेंट लेंगे। मिक्सर अपना तैयार है, अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें हम एक एक चम्मच पेस्ट डालेंगे। तो ऐसे आराम आराम से हम पेस्ट भर लेंगे। ही उबल गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे जिससे भाप हाथ में न लगे, और इस पे इडली स्टैंड को सेट कर देंगे। तो पहले हम जाली डालेंगे, उसके बाद हम ये छोटा वाला ट्रे डालेंगे, उसके ऊपर ये बड़ा वाला ट्रे रखेंगे और हम ढक्कन से कवर कर लेंगे। 5 मिनट तक हम इडली को फुल फ्लेम पे उबालेंगे और 5 मिनट बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक उबालेंगे। ओके हैं, हम हाथ में एक ग्लव्स पहन लेंगे और ढक्कन को हटा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपनी इडली की साइज फूल के कितनी बड़ी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे चेक करेंगे। तो हम एक स्पून के पीछे वाले हिस्से से ऐसे दबा के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है बेटर, इसका मतलब अपनी इडली परफेक्ट पक चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्मा गर्म इडली निकालने से इडली टूटने लगती है। अब हम ट्रे को निकाल लेंगे बाहर, अब दूसरा ट्रे भी देख सकते हैं कितना अच्छे से फूला है इडली अपना। तो इसे भी हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। केवल इसका स्टीम निकल जाए उसके बाद हम इडली को प्लेट में निकालेंगे। अब हम एक स्पून लेंगे और इसे किनारे किनारे से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके और इडली को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इडली तैयार हुई है, ये स्पंजी जैसे इडली तैयार हुई है। इसे हम दबा के छोड़ रहे हैं, फिर अपने साइज में आ जा रहा है। तो इसे हम प्लेट में
निकालते जाएंगे, ऐसे हम इसे प्लेट में निकालते जाएंगे। रवा इडली बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ, सांभर के साथ, लहसुन